Like, ride with me if you ride with me. You can slide with me if you feel like. 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like. 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal. याना का क्या हाल हो गया? उसे देखो जरा कैसी है। तुम खुद को ऐसे दुख नहीं पहुंचा सकती स्माइल की वजह से। हाँ डायना, उस पर ध्यान ना देने की कोशिश करो। इससे बाहर निकलो तो। तुम जानती हो उसे बिल्कुल अच्छे से। डायना, वैसे लगातार 5वीं बार नाचना ठीक नहीं है। खुद को दर्द पहुंचा रही हो तुम अब। हाँ नास्या, हम तुमसे सहमत हैं। डायना, तुम नाचना बंद करो। हाँ, ऐसे पागलपन वाले नाच तुम्हारे काम नहीं आएंगे। लड़कियों, क्या तुम्हें पता नहीं है कि डांस करने से मुझे शांति मिलती है और मैं वही काम कर रही हूँ, ठीक है ना? अभी देखो। ये है पागलपन वाला डांस। लड़कियों, डायना को बचाने की जरूरत है। ये देखो मेरा डांस, ये देखो मेरा डांस, ये। तो लड़कियों, जब मैं अस्पताल में थी तो वहाँ एक अजीब सी नर्स थी। जब हम बिस्तर पे गए तो वो वार्ड में आई, इस तरह सबको देखा और उसकी आंखें बहुत चमकीली थी। ऐसा लगा जैसे उसमें कोई भूत हो। कृपा, मैंने ये सुना हुआ है पहले। लेकिन हमने नहीं। नूपा, आगे क्या हुआ? तो फिर उसने अपनी आँखों में अजीब अजीब से एरो बनाए। और क्या तुम्हें पता है कि वो किस कलर का था? मुझे पता है, चमकदार था। सुनो आन्या, बीच में मत बोलो। हमने ये कहानी नहीं सुनी है। आन्या समझ गई, मुझे बताने दो। हाँ तो लड़कियों, सुनो तुम लोग। लड़कियों, अब मैं तुम्हें एक बहुत शानदार कहानी सुनाऊंगी, ठीक है? हाँ हाँ, चलो सुनते हैं। तो मुझे पसंद आई वो नर्स, और तुम किसी और तरह के प्यार के बारे में सोच रही थी, तो वो काफी दिलचस्प होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं छोटी थी, मैं 2 साल की थी, और मैं अपने बिस्तर पर लेटी थी और पता नहीं क्या क्या होता था। ओह, मैंने सुनी है ये वाली कहानी। तो मैं सीधे बालकनी में देख रही थी, यही वाली बात है, समझ गई? और जल्दी करो, तुम बहुत धीरे बोलती हो, रुक रुक के भी। और क्या? तो फिर बालकनी बहुत छोटी थी और एक आदमी लंबा था, लेकिन वो उसके अंदर आया और वो उसके अंदर नहीं घुस पा रहा था। ये उस आदमी के कंधे पर एक बहुत बड़ा कछुआ होता है। लड़कियों, क्या तुम परियों की कहानी में विश्वास करती हो? आन्या, है ना? हाँ लड़कियों, ये सच है। सोचो, जब मैंने उसे देखा, मैं चिल्लाना चाहती थी लेकिन मेरी आवाज बंद हो गई थी, मेरा शरीर ठंडा पड़ गया था। अच्छा, तो ये नींद में आने वाला लकवा है। तुमने किसी को देखा होगा। मोर्शिया, क्या तुम चुप हो सकती हो? हमने नूपा की बात नहीं सुनी, अब हम आन्या को भी नहीं सुन सकते हैं। हाँ लड़कियों, इसमें सुनने जैसा क्या है? फिर उसने एक आवाज सुनी, वो चिल्लाई और वो कछुए वाला आदमी गायब हो गया। नूपा, इस कहानी का अंत में खुद बता सकती। तो अब लड़कियों, मैं बताऊंगी कहानी। डायपर्स इकट्ठे कर लो तुम लोग, क्योंकि तुम लोग बहुत डरने वाले हो। ओ गिगी, डरना मत। तो लड़कियों, सबको पता है कि मुझे जोकर से कितना डर लगता है, लेकिन मैं एक दिन घूम रही थी और मैंने एक बड़ा सा गुब्बारा देखा, बहुत बड़ा, खूबसूरत लाल रंग का। मैं उसे पकड़ना चाहती थी, मैं उसके पास गई और क्या तुम सोच सकती हो कि क्या हुआ? एक जोकर बाहर आ गया, मैं बहुत डर गई थी। हाँ, और वो कौन था? हाँ क्या तुमने कोई मूवी देखी है? और क्या लड़कियों, ध्यान देने लायक नहीं, एक बूंद नहीं। चलो मार्शमेलो बदलते, तुम्हारे वाले बेहतर स्वाद में है। मैं नहीं दूंगी वर्षा, तुम अपना खुद का खाओ। मैं कैंप का सबसे शानदार लड़का हूँ, मैं कैंप का सबसे शानदार लड़का हूँ, ये। सुनो शानदार लड़के, जल्दी करो, मुझे भी अपने बाल सुखाने हैं। और मुझे भी अपने बाल सही करने। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सुनाई दे रहा है क्या? तुम्हें सब सुनाई देगा। जल्दी करो, हमें भी अपने बाल सुखाने हैं, समझे ना? अभी इसे क्या हो गया है यार, समझ ही नहीं आ रहा। क्या कर रहे हो? सॉरी, मेरा तो हो गया, मेरा बाल पूरा सूख चुका है, अभी तुम्हें देखना है तो देख लो। दोस्तों, ये काम नहीं कर रहा है। ये अर्थम जो भी अपने हाथों में लेता है उसको तोड़ ही देता है। इसे ठीक करो पात्रिक, चलो जल्दी करो। इसे पहनते कैसे, मुझे पता नहीं है। हाँ ये लो। मैं अलादीन की तरह हो गया हूँ। बास्केटबॉल प्लेयर, इसे ठीक कर दो, ये कैम का चार्ज है।
स्माइल खुद को इतने जोर से मत मारो वरना सिंग निकल आ जाएगा। और क्यों? ये अच्छा है, इसके लिए वो एक यूनिकॉर्न था तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला। दोस्तों हंसो मत, बेहतर होगा कि तुम मुझे समझाओ, मुझे बहुत ही डिप्रेशन हो गया। डायना मेरे सामने से गुजरती है लेकिन मेरी तरफ नहीं देखती है, न जाने क्यों ऐसा कर रही है वो। स्माइल जहाँ तक डायना की बात है हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। हाँ, स्माइल तुम्हारी लड़ाई होती है उससे, साथ आते हो अलग होते हो फिर साथ आते हो अलग होते हो, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। ओफो अब क्या करूं मैं। बास्केटबॉल तुम्हें पता है ड्रायर जल चुका है लेकिन मेरे बाल तो सूख चुके हैं। बास्केटबॉल प्लेयर्स ये कैसा हेयर ड्रायर है, क्या तुमने इसे खराब कर दिया? मैं अलादीन की तरह दिख रहा हूँ। चलो लड़को पहले इसे जल्दी से ठीक करो। अर्थियम तुम्हारे बाल तो लंबे हो गए काफी। हे चुप रहो, हंसना बाद में, पहले ये ड्रायर ठीक करो वरना कैंप में पैसे देने पड़ेंगे तुम्हें। नहीं लड़को मेरी गलती नहीं है। हे प्लेयर्स जल्दी सोचो कुछ, जल्दी इसे ठीक करो नहीं तो सारी लड़कियां हम लोग को देखेंगे और हम पे हंसेंगी, समझे? मुझे पसंद आया, मैं अलादीन की तरह हूँ। लड़कियों अब मैं ये नहीं कर सकती। डायना शांत हो जाओ, तो ठीक हो जाएगा डायना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। लड़कियों अब मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मेरे रिश्ते में हर बार गंदगी होती है। याना को ही देख लो, इनके रिश्ते में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। याना ऐसा मत कहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। डायना तुम्हें पता है क्या, वैसे तुम्हारी किस्मत खराब है स्माइल के साथ, तुम क्या करने वाली हो? तुम्हें फिर भी अपना प्यार मिल जाएगा, स्माइल पहला नहीं है उससे बेहतर मिलेगा तुम्हें। हाँ नास्तिक, क्या ना ही पहला और ना ही आखिरी। नास्तिक क्या कर रही हो तुम, क्या तुम पागल हो गई हो? समझ नहीं आता तुम्हें क्या बोलना है। डायना वो मजाक कर रही थी, ये नास्तिक कोई बात नहीं, तुम क्या करती हो तुम? सब ठीक हो जाएगा डायना, टेंशन मत लो। हाँ और वो मुझे फिर से गाली देगा। डायना चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा देख लेना। ठीक है तुम्हें पता है डायना क्या है, तुम तो अब गए, लड़कों के कमरे में जा रही हूँ और सबको बर्बाद कर दूंगी और स्माइल को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हाँ नास्तिक, हाँ कम से कम तुम कैंप के लिए कुछ तो अच्छा कर सकती हो। हाँ कोई बात नहीं डायना। चुप हो जाओ डायना, तुम मुझे भरोसा नहीं है। अभी देखो स्माइल उड़ के जाएगा इस कैंप के बाहर और वो भी अपने सूटकेस के साथ। क्या उसे कैंप से बाहर मत निकालो, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। डायना तुम्हारे साथ यही दिक्कत है, तुम्हें उसके लिए बुरा क्यों लग रहा है, उसे होना चाहिए। डायना उसके लिए बुरा महसूस करना बंद करो। तो दोस्तों स्माइल किधर है, स्माइल किधर है? ये है स्माइल। एक तो स्माइल क्या तुम पागल हो? हाँ नास्तिया क्या हुआ? क्या हुआ है, तुम इतने शांत क्यों हो? पता है तुम्हें डायना रो रही है, वो परेशान है वहाँ पर। स्माइल स्माइल डायना रो रही है। डायना पूरे समय रोती रहती रो है। रो रही है नास्तिया। चलो ठीक है मैं अपना सर पीट रहा हूँ, उसे भी थोड़ी देर रो लेने दो। स्माइल क्या तुम बेवकूफ हो, जाओ और डायना से पूछो। लेकिन नहीं अपना सामान उठाओ और इस कैंप से बाहर निकल जाओ। मैंने डायना को वादा किया है कि मैं तुम्हें बाहर फेंकूंगी। तुम लड़कों के कमरे में क्यों घुसी हो? चलो तुमने अपना सब कुछ बोल दिया ना, बाहर जाओ, हमने सुन लिया ना। नास्तिया मैं अलादीन की तरह दिख रहा हूँ ना, देख लो मुझे। पात्रिक कैसे हो तुम? दोस्तों मुझे अकेला छोड़ दो। स्माइल मैं तीन तक गिनूंगी, एक दो। दोस्तों उसे क्या चाहिए मुझसे, क्या चाहिए उसे? स्माइल उसे चाहिए कि तुम कैंप से निकल जाओ। स्माइल स्माइल तुम जाकर डायना से माफी मांग लो ना, और वो इसे माफ नहीं करेगी। तीन। स्माइल तुम अब तक भी यहीं पे हो? नास्तिया छोटी मछली, तुम मेरी छोटी मछली हो नास्तिया। स्माइल रुको, मैंने वादा किया है डायना को। बाहर निकलो यहाँ से। तो स्माइल ये मुझे कितना गुस्सा दिलाता है। तो रुको स्माइल, अभी खत्म नहीं हुआ कुछ भी, रुको। ओ नास्तिया हेलो, नास्तिया हेलो, तुम लोग किधर जा रही हो बताओ? मार्शमेलो के लिए। तुम कमरे में क्यों घुस गई? अब से कैंप में ऐसा नहीं होगा, जल्दी से अपने कमरे में जाओ, समझ आई बात तुम्हें? हाँ समझ गए। नास्तिया क्या तुमने उसे बाहर नहीं निकाला? नहीं डायना मैंने उसे अब तक बाहर नहीं निकाला, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लायला याना मदद करो। नहीं नास्तिया हमारे बिना। नहीं नास्तिया स्माइल को बाहर मत निकालो, उसे रहने तो कैंप में ठीक है। डायना अगर स्माइल तुम्हें इतना ही प्यारा है तो हमें इस झंझट में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, और उससे पहले नाचो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें पता है क्या नास्तिया, ये अच्छी बात है कि तुम यहाँ पे समझदार हो, तुम एक बैचलर हो और तुम्हें पता नहीं चलेगा कि कैसी फीलिंग होती है। हाँ। तुम्हें पता है टेंशन में किसकी मदद मिलती है? हाँ मीठा। लड़कियों हम डाइट पर हैं, हम नहीं खा सकते हैं। डायना जब टेंशन होती है तो ये मुमकिन है। सही थी मैं हूँ अब, रुक जाओ। लड़कियों तुम वहाँ क्यों हो, यहाँ पे साफ है, जल्दी आओ जल्दी 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 करो जल्दी जल्दी। यहाँ देखो मर्शिया एक भरी हुई प्लेट, कैसा लगा? धन्यवाद धन्यवाद गिगी। ए, नास्तिया। नास्तिया।
मेरे लिए है। हाँ डायना खाओ। हाँ डायना अपनी टेंशन कम कर लो और शांत हो जाओ। दोस्तों सब लोग मुझे समझ आ गया है, मुझे अब डायना को हैरान करना पड़ेगा। हाँ उसे हैरान कर दो। लेकिन तुम कैसे करोगे ये? और तुम उसे क्या बताने वाले हो? एक कहानी, इससे कोई मदद नहीं। देखो डायना को हैरान करके कोई फायदा नहीं है, इसे अपने बाल सुखाने हैं। और मैं ठीक हूँ अलादीन की तरह। क्या मजाक कर रहे हो, तुम एक ही जगह पे थक गए अलादीन अलादीन। दोस्तों किसी के पास बिजनेस सूट है क्या? मेरे पास है लेकिन मैं नहीं दूंगा। नहीं दोगे? हाँ नहीं दूंगा सच में। अर्थम मुझे इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है। गुस्से में ये सूट फाड़ दिए तो क्या होगा? दोस्तों क्या तुम्हें इससे कोई मतलब है? इस्माइल जल्दी से तुम इसे ठीक करो, समझे ना? शांत हो जाओ। मैक्स मुझे तुम 400 रुपए दो, तुम्हारी दीदी ने जो तुम्हारे जन्मदिन पे दिया था। स्माइल तुम्हें कैसे पता? मैंने मैक्स तुम बैठे क्यों हो? चलो हम लोग बाहर चलते हैं ना, कुछ बात करनी है तुमसे मुझे। तुम कभी नहीं वापस करते हो ब्राउस, मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैक्स इसने मुझसे $200 लिए थे जन्मदिन के लिए, लेकिन इसने मुझे अभी तक वापस नहीं दिया है। वो ये ले लो, लेकिन इसके साथ कुछ भी गलत मत। चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रखूंगा। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि डायना इसे तो शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। देखना मैं हर एक कदम पर नजर रखूंगा। तो मैं कपड़े बदलने जा रहा हूँ। लूजर्स तुम लोग दुखी मत हो, तुम लोग जाके डायना के लिए कपड़े और गहने खरीदो, समझे? और उसके बाद मुझे बिल दे देना जो भी हो। और अगर मैं नहीं जाऊंगा मुझे जाने दो अलादीन की टोपी में ही। पैट्रिक बहुत हो गया तुम्हारा। मैक्स अब डायना $400 की गहने खरीदेगी। शानदार शानदार, कुछ कहने के लिए नहीं है। बस हो गया लड़कियों, चलो अब सोते हैं, मुझे नींद आ रही है। क्या तुम्हारे लिए सही में सब कुछ खत्म हो गया है? हाँ बताओ। नास्तिया चलो। अब लड़कियों रुको, डायना मुझे याद है मेरा एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था, हमारा ब्रेकअप हो गया था तुम्हें पता है। मैं उसके पीछे बहुत भागी, मैं उसकी वजह से रोई ना एक दिन ना दो दिन ना तीन दिन बल्कि पूरा महीना। और फिर मुझे एक नया बॉयफ्रेंड मिल गया, तो क्या उसके बाद वो मेरे पीछे पीछे भागने लगा। लड़के ऐसे ही होते हैं, दूसरे के साथ देख कर भागते हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ सच में खत्म हो गया है? हाँ डायना। डायना तो क्या अब हम बिस्तर पर जा सकते हैं? नहीं लाइला, मुझे याद है तुमने मुझे अपने किंडरगार्टन वाले प्यार के बारे में बताया था। हाँ ओ नहीं डायना, बेहतर होगा कि हम सो जाएं। चलो सोते हैं। तुम लोग कैसे दोस्त हो लड़कियों? में टेंशन में और तुम लोग सो रही हो बिस्तर पे, गलत बात है। तुम्हें पता है क्या डायना, सुबह ज्यादा अच्छा होगा शाम से, तो हम सब कुछ कल सुबह तय करेंगे। कौन है ये? ये कौन है? तो मुझे पता नहीं कि इतनी रात में किसे खेलना है। लूजर्स जाओ सो जाओ जाकर। हाँ इतना गुलाबी क्या है? हाँ, वो भी घंटी के साथ। तुम आज रात सोने वाले हो या नहीं? माफ करना लड़कियों, डायना क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? स्माइल तुम अंदर आ चुके हो, क्या चाहिए तुम्हें? कितना जानता हूँ तुम भी दुखी हो और मैं भी दुखी हूँ। चलो सारे गिले शिकवे दूर करते और हम फिर से एक हो जाते। डायना नहीं। डायना लड़की रुको, क्या वो घंटी वाला डब्बा मेरे लिए है? हाँ बताओ मुझे। हाँ खोलो इसे। डायना अगर तुमने घंटी वाला डब्बा स्वीकार कर लिया तो मैं तुम्हारी दोस्त नहीं रहूंगी, समझ गई ना? तो डायना हमारी बात सुनो, हम कोई गलत सलाह नहीं देंगे तुम्हें, समझ गई? मैं तो सोच रही हूँ कि इस रात के बीच में किधर से ये डब्बा इसने ढूंढ लिया। स्माइल ये डब्बा क्या है? हाँ बताओ। डायना खोलो तो सही। उसने फिर से डायना की कमजोरियों का फायदा उठाया बियर के साथ। तो फिर से डायना रोने वाली है, कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों देखिए कितनी खूबसूरत अंगूठी स्माइल ने मुझे दी है, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। और हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बाय दोस्तों। क्या लाए हो स्माइल? क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें अकल नहीं है? क्या कोई ऐसे करता है क्या?